हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम ऋषभ है। हम लोग डेली ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं। हमारे 500 से भी ऊपर वीडियोस हमारे चैनल पे हैं और हम लोग डिटर्जेंट पाउडर, हैंड वॉश, फिनाइल, डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर, FMCG क्लीनिंग रेंज के सारे प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे बनाते हैं एंड ट्रेनिंग भी देते हैं। ये ट्रेनिंग वीडियो है। जिन भी मेरे नए भाई हैं जिन्होंने भी इस चैनल को पहली बार देखा है, वो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आपको हमारी जो ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं सबसे पहले मिले, आपको सीखने को मिले। जिनको भी नया व्यापार शुरू करना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए भी मेरी वीडियोस हैं। क्योंकि अगर आप जब सीख जाएंगे, स्किल डेवलप कर लेंगे, तो अब आप नया व्यापार शुरू करेंगे, आपको बड़ी आसानी होगी। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आते रहें। और आपको मैं अभी जो वीडियो आज लेके आया हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है डिश वॉश लिक्विड। हम लोग आज आपको डिश वॉश लिक्विड की पूरी थ्योरी बताएंगे कि डिश वॉश लिक्विड में कौन कौन से आइटम पड़ते हैं, कौन कौन से आइटम नेसेसरी हैं, उनका क्या रोल है, और कैटेगरी वाइज पूरा सिखाएंगे आपको। और अगर आपको मेरे जिस भी भाई को फॉर्मुलेशन चाहिए, वो हमको डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकता है, या जो हमारे नंबर्स होंगे स्क्रीन पे या आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर्स पे कॉल करके ले सकता है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। देखिए, डिश वॉश लिक्विड होता है बर्तन धोने का केमिकल, जो आपके घर में विम जैसा लिक्विड आता है, बाजार में आपने देखा होगा प्रिल आता है, विम आता है, इसको कहते हैं डिश वॉश लिक्विड। ये जो लिक्विड होता है, ये आप अपने स्क्रबर में लगा सकते हैं और इससे आप बर्तन को चमका सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। आखिरी तक मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। स्किप जो भी कर रहे हैं उनको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर वो ज़्यादा पूछताछ करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ हैं, सब कुछ समझाया हुआ है, एक बार डिटेल में बस देख लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या झाग भी चाहिए होता है, फोम बनानी होती है, तो उसमें कई आइटम्स हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं, केमिकल आता है AOS, अल्फा ओलोफिन सल्फेट इसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग SLES भी ले सकते हैं, सोडियम लॉरल इथर सल्फेट बोलते हैं। उसके बाद SLS भी आता है, इसको कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट, या हम लोग इसमें ले सकते हैं एसिड स्लरी। ये सारे आइटम हम इनमें, इनके कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, इन सारे आइटम्स को भी ले सकते हैं, या इनमें से कोई एक या दो भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके का बना रहे हैं, किस रेट का बना रहे हैं, किस क्वालिटी का बना रहे हैं। और इसमें बाजार में कई फोम बूस्टर्स भी आते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी एक हाइटान इंडस्ट्रीज एक फोम बूस्टर इसका बनाती है, और एक नेचुरल फोम बूस्टर भी हम लोग बनाते हैं। इसके कई वीडियोज मैंने अपने चैनल पर डाले, आप हाइटान इंडस्ट्रीज नेचुरल फोम बूस्टर डालेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो आप इनमें से कुछ भी आप अपने चॉइस के हिसाब से फोमिंग के लिए आइटम ले सकते हैं। कितना लेना है ये एज अ फॉर्मुलेशन और रेट के ऊपर डिपेंड करता है। डिश वॉश बनाने की जो रेट होते हैं वो मात्र आप 20 रुपये से लेकर और 60-70 रुपये तक का बना सकते हैं। क्वालिटी आपके ऊपर है कि किस रेट का आप बना के बाजार में बेचना चाहते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सस्ते माल को मत बनाइए, क्योंकि सस्ते माल जो लोग सिखा रहे हैं 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के, ये बेचने लायक नहीं होते हैं। ऐसे सोचिए कि अगर आपके ही घर में कोई डिश वॉश बना के 5 रुपये, 10 रुपये का दे दे, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप खुद ही कहेंगे कि हमसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो आप भी अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, अच्छा दीजिए लोगों को, मार्केट अच्छे में बनता है, सस्ता बेचने की कोशिश मत करिए। सस्ता फिर ब्रांड ही बनता है, थोड़े दिन चलेगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि अच्छी क्वालिटी बनाने पर। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छी फॉर्मुलेशन, अच्छे से अच्छा ज्ञान दूँ, और हर वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके पास सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो आपके लिए सेल्स के लिए ज़रूरी हो। मेरे वीडियोस आप जब भी देखेंगे, आपको हमेशा वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको ये पता होगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसकी सेलिंग में क्या आपकी फ़ायदा होगा आपको। ऐसे कोई भी वीडियोज़ मेरे नहीं मिलेंगे कि जिसमें मैं आपको व्यूज़ के लिए आपको दिखा दूँ कि 3 रुपये का बना लो, 5 रुपये का बना लो। वो प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं चलते हैं, वो प्रोडक्ट्स बेचने लायक नहीं होते हैं। तो हम लोग आज जो बना रहे हैं, इसमें देखिए फोमिंग के लिए हमने ये आइटम्स को चूज़ कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्लीनिंग होती है, सफाई। सफाई का मतलब होता है कि चिकनाहट हटानी है। बहुत चिकनाहट लग जाती है बर्तनों पे और कालिक लग जाती है, जिद्दी दाग होते हैं जो जाते नहीं है, खाने के स्टेन्स होते हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग कास्टिक यूज़ करते हैं। इसमें कास्टिक सोडा होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। साइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। साइट्रिक एसिड एक तरीके का एसिड होता है जो एक तरह से कह लीजिए नींबू की शक्ति जो बोलते हैं, वो साइट्रिक एसिड से ही आती है। ये चिकनाई को साफ कर देता है। इसके अलावा भी इसमें
एक प्रोडक्ट होता है, इसको कहते हैं इमल्सीफायर, वो भी आप यूज कर सकते हैं इमल्सीफायर। ये हमारी कंपनी बनाती है, हाइट्रान एनआई के नाम से आपको मिल जाएगा। इससे भी आपके जिद्दी दाग स्टेन्स जो आसानी से नहीं जाते हैं, जिद्दी दाग, चिकनाई, तेल के दाग, खरे दाग, ऐसे जो बर्तन पे चिपक जाते हैं, वो सब साफ करने में आपको मदद मिलेगी। तो क्लीनिंग में आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी चूज कर सकते हैं। अच्छा बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए आपको। ये आपके फोमिंग और क्लीनिंग के प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद इसमें कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाने के प्रोडक्ट होते हैं। कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए कौन कौन से होते हैं? इसमें कलर पड़ता है, परफ्यूम पड़ता है, ये दोनों बहुत मेन आइटम है। इसके बाद इसमें एक शाइनर भी पड़ता है। शाइनर अगर आपको डिश वॉश थोड़ा सा चमक लाना है, उसमें आपको लगे कि हाँ उसमें फ्रेशनेस है, चमक है, अच्छा बन रहा है, तो उसके लिए आप शाइनर यूज कर सकते हैं। और इसमें एक हम लोग डालते हैं प्रोडक्ट BKC या SKC, ये एक तरीके से आपके प्रोडक्ट को बचाता है सड़ान से। ये बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। जो लोग ये BKC SKC नहीं यूज़ करते हैं, उनका प्रोडक्ट सड़ जाता है, रखे रखे स्मेल आ जाती है और पूरा ख़राब हो जाता है डिश वॉश, तो ये डालना ज़रूरी है। एक तरीके से ये बैक्टीरिया को मारता है पानी, क्योंकि इसका मेजर पार्ट पानी होता है। पानी में बैक्टीरिया धीरे धीरे करके डेवलप हो जाता है, ये डेवलप नहीं होने देता है। एक तरीके से ये बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होता है, तो एंटी बैक्टीरियल आइटम है। ये ज़रूर आपको डालना चाहिए अपने हर एक डिश वॉश में। क्वांटिटी मैं सब चीज़ों की बताऊंगा जब आप हम लोग से डिस्कस करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट, बिकॉज सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। आज मैं सिर्फ थ्योरी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आइटम डिश वॉश में पड़ सकते हैं और पड़ने चाहिए। इसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, पानी के खारेपन को भी कम करेंगे तो डिश वॉश अच्छा सफाई भी करेगा और फोमिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी जब हम लोग वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल डालेंगे। इसमें हम लोग TSP भी डालते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसमें हम लोग EDTA भी डाल सकते हैं, ये भी आपकी झाग को बढ़ा देता है और सफाई भी बढ़ा देता है। ये वाटर सॉफ्टनिंग भी डालना चाहिए, लोग मिस कर देते हैं, लोगों को पता नहीं है, या पता भी होता है तो डालते नहीं है। लेकिन देखिए कॉस्ट आपकी, चाहे आप 15 आइटम लें चाहे आप 20 आइटम लें, कॉस्ट आप किसी भी रेट पे सेट कर सकते हैं। अगर आप 20 रुपये भी बनाएंगे तो मैं सारे आइटम लेके 20 रुपये पे डिश वॉश बना सकता हूँ या बनवा सकता हूँ। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने आइटम लिए, डिपेंड करता है सबका रेशियो कितना है, क्योंकि एक एक दो दो रुपये पे आपका क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, रेट तो चेंज हो ही रहा है। इसके बाद इसमें आखिरी में हम लोग डालते हैं थिकनर। थिकनर का मतलब होता है गाढ़ा करने के लिए। इसमें दो तरीके के थिकनर बढ़ते हैं, एक थिकनर हम लोग बनाते हैं, हाइट्रान इंडस्ट्रीज बनाती है थिकनर, और एक लोग, कई लोग इसमें सॉल्ट या नमक से भी गाढ़ा कर लेते हैं। तो नमक वाला कभी कंसिस्टेंसी छोड़ देता है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रखे रखे नमक सेटल हो जाता है तो पानी अलग सेपरेशन आ जाता है, नमक वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आएगी ही, बहुत सारे आपको लोग सिखा रहे होंगे कि नमक डाल के गाढ़ा कर लीजिए, नमक से भी कर सकते हैं। लेकिन सही वे ये है, अच्छे जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे वेम हो गया, प्रिल हो गया, ये सारे थिकनर डाल के उसको गाढ़ा करते हैं। तो मैं भी आपसे यही बोलूँगा कि जो केमिकल है वो ज़्यादा बेटर काम करेगा, इस पर जो नमक है आप उससे कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, बाद में आपको समस्या दिख सकती है। तो ये देखिए, ये पूरा आपको जो मैंने आपको बताया, ये पैरामीटर वाइज बताया, देखिए 4 पैरामीटर हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 पैरामीटर्स हैं, इनका आपने ध्यान रखा, और फिफ्थ हम थिकनर को भी मान लेते हैं क्योंकि गाढ़ा तो करना ही है। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं, अगर आपने फॉलो करे तो एक आप अच्छा डिश वॉश बना सकते हैं। बाकी आपको कोई भी फॉर्मुलेशन चाहिए इसके बारे में, और डीप नॉलेज चाहिए, इनके रेशियो चाहिए कि कौन सा आइटम कितना पड़ना है, कितना उसका रेट होगा, कैसे बनेगा, हमारी टीम साथ संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पे भी मैं नंबर दे दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं। सीखने को हम लोग इतनी चीज़ें आपको सिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग देखिए वही चीज़ सिखाना चाहते हैं जिससे आपको सेल करने में आसानी हो। सीख के करोगे क्या, घर में थोड़ा सा बना के क्या करोगे जब तक बाजार में ना बिके। प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी को भी फॉलो करें, मैं किसी के लिए वो नहीं कह रहा हूँ, आप जिसको भी फॉलो करें ये चीज़ का ध्यान दें कि जो भी आइटम आप बना रहे हैं आप उसको इस्तेमाल करके देखिए क्या आपके घर में वो यूज़ होने लायक है, क्या आपके पड़ोसी के घर में वो यूज़ होने लायक है, क्या आप उसको खुद इस्तेमाल करने लायक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जब तक आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते मार्केट में। बनाना ही सिर्फ सवाल नहीं है, सस्ता ही बनाना सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चीज़ अच्छी बने
और मार्केट में बिके, बिकेगा तो दो पैसे आएंगे, रख के घर में पैसे नहीं आएंगे, सीख के पैसे नहीं आएंगे। बेचने के लिए आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो मैं आपकी इस पूरी प्रक्रिया में मदद करूंगा, हमारी टीम मदद करेगी, आप हमारी टीम साथ जुड़िए। देखिए मेरे पास 100 से 150 रोज़ फ़ोन आते हैं तो मैं सब अटेंड नहीं कर सकता हूं, तो मैंने पूरी अपनी टीम को ट्रेनिंग दी है, आप उनसे जुड़िए, वो आपको सिखाएंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी हो जाता है कॉल मिस भी हो जाती है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। देखिए ऑफिस के आवर्स हैं 11:00 से शाम के 7:00 तक टीम लगातार काम करती है, इसके बीच में मिलाएंगे तो उठाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कॉल फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो मिस हो जाता है, तो व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप का जवाब आपके पास 24 घंटे में आ जाएगा, हमारी टीम जब भी देखेगी आपको जवाब देगी ज़रूर। तो कॉन्टैक्ट करने के कई तरीके हैं, डिस्क्रिप्शन में 8 से 10 नंबर हैं, उनको आप जाइए देखिए और उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। बाकी हमारा एक ट्रेनिंग वेबिनार आने वाला है, आने वाले महीने में है, मई में, 21 मई को हो रहा है, संडे का दिन है, जिसमें हम लोग टॉयलेट क्लीनर की पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरा फॉर्मुलेशन देंगे, कैसे उसके रेट को कंट्रोल करना है, कैसे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, कैसे उसको सेल करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें उसकी थिकनेस को कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, पूरे साल कैसे थिकनेस को मेंटेन करें। देखिए सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने ये नहीं कि टॉयलेट क्लीनर बनाना है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गर्मियों में पतला ना हो, सर्दियों में जमे ना। 99% मैंने देखा है कि टॉयलेट क्लीनर लोगों के गर्मियों में पतले हो जाते हैं और सर्दियों में जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो टेक्निक नहीं है जो हमने डेवलप की है, हमारे यहाँ पे रिसर्च होती है, 1967 से हमारी कंपनी काम कर रही है, सालों पुरानी कंपनी है, डेली हम लोग वीडियो बनाते हैं। करंट लोकेशन है हमारी कानपुर में, रनिंग ऑफिस है कानपुर में, 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे काम हो रहा है, कानपुर में 2 ऑफिसेज है जहाँ पे काम हो रहा है, आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी सेमिनार वेबिनार से सीख सकते हैं, हम लोग वेबिनार और सेमिनार करते रहते हैं। अभी हमारा 9 अप्रैल को एक बहुत सक्सेसफुल वेबिनार हुआ है, डिटर्जेंट पाउडर के ऊपर था, उस पर हमने एक कोर्स बना दिया है, जिनका भी वो मिस हो गया कोई बात नहीं, आप वही फीस पे कर दीजिए, 500 रुपीज़, मैं देखिए 900 रुपीज़ का कोर्स है, मैं उसको 500 रुपीज़ में दे रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को जेन्युइनली सीखना है, मात्र 500 रुपीज़ पे करिए, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, पूरा उसमें ट्रेनिंग दी है, सिखाया भी है, बताया है और कैसे उसको बेचना है ये भी बताया है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, केमिकल्स आपको चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाज़ार में और भी जगहों पे केमिकल मिल जाते हैं, हमारे यहाँ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा केमिकल लेने के लिए, क्योंकि हम ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चरर हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और इंडिया में ट्रेडर हैं जो माल इधर उधर से लेके आप लोगों को देते हैं, तो महंगा भी देते हैं प्लस क्वालिटी में भी हेराफेरी करते हैं, हमारे यहाँ से ये नहीं होता, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, 1974 से हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं जो इन सब केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, काफ़ी केमिकल ऐसे हैं जो हमने डेवलप किए हैं और कानपुर में और यूपी में और इवन नॉर्थ इंडिया में हम काफ़ी लोगों को उसको दे भी रहे हैं, वो लोग आपको ट्रेडिंग करके दे रहे हैं। मैं नाम नहीं किसी का भी डिस्क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन एक जनरिक मैं बात करूँगा कि अगर आप सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, आप ट्रेडर से जुड़ेंगे तो आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा और क्वालिटी में भी डिफेक्ट दिखेगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कानपुर में रनिंग ऑफिस है, गूगल पे जाके कंपनी का नाम है हाइट्रान इंडस्ट्रीज़, आप सर्च करिए, हमारी कंपनी 3 कंपनियां, हाइट्रान इंडस्ट्रीज, हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, RSMart, ये सब हमारी कंपनियां हैं। गूगल पे, इंडिया मार्ट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाकी आप हमसे संपर्क करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। कोर्स के लिए इनरोल करिए, आपका फ़ायदा है, घर बैठे सीख सकते हैं मोबाइल के थ्रू, आपको कहीं नहीं जाना, मोबाइल पे सारा डेटा आपको आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे, आप वीडियोस टाइमली अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो हमने इसीलिए रिकॉर्ड किया ताकि आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से सारे वीडियोस को देख पाएं, और उससे अगर आप उस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको एक स्किल डेवलप हो जाएगी, एक व्यापार करने के लिए घर बैठे सीख सकते हैं। तो न्यू बिजनेस वाले सारे इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, 500 से ऊपर वीडियोज़ हैं, आपको ऐसे ही नई नई जानकारी हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, आगे बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आगे भी आपका ये जो भाई है आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च चीज़ें आपके सामने लाता रहेगा, कम रेट पे लाएगा, रेट भी कम करना है, क्वालिटी भी देखनी है, सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी, अगर आपने क्वालिटी नहीं देखी तो बाज़ार में बेचने में समस्या आएगी, माल जाएगा, वापसी आएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा मत करिए अपने साथ, पैसे बर्बाद मत करिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचिए, एक अच्छा व्यापार खड़ा करिए, मैं पूरी मदद करूंगा, सेल्स में भी मदद करूंगा, बात करिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पहले सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग जब आपका सिस्टम बन जाएगा, इन सब की बॉटल्स, इन सब के गत्ते, इन सब के स्टिकर्स, इन सब के लेबल, इन सब का पूरी जानकारी कंप्लीट 0 से फिनिश प्रोडक्ट तक का मेरे यहाँ पर मिल जाएगा,
कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नाम ऋषभ है, ऐसे ही मैं फिर से आपके सामने नए वीडियो में आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।